हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का चल रहा था रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है जो हम लोग का चल रहा था, उसमें हम लोगों ने पार्ट वन और टू कर लिया है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है, ये टाइप पूछा जाता है या नहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल पूछा जाता है। पहले जब लेबल बहुत ईजी रहता था तब ये टाइप वगैरह नहीं पूछा जाता था, नॉर्मली वही फैमिली ट्री पे आ जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे लेबल प्रमोट कर रहे हैं तो अब ये सब टाइप भी पूछे जाने लगे। नहीं तो ये सब बैंक वगैरह में आता था और नॉर्मल SSC वगैरह में ये कोडेड वाला नहीं आता था, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइप भी आप कर लीजिए, और मैं करा भी रहा हूँ। बहुत ईजी है, बस आपको देखना है। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं लाइव क्लास के बारे में सोच रहा था, कुछ लोगों ने कमेंट में कहा भी था। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं देखा कुछ एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, अभी शायद एलिजिबल नहीं हो चुका है ये चैनल लाइव क्लासेस के लिए। तो अब बात आती है एलिजिबल होगा कैसे, वो आप पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना जल्दी चैनल एलिजिबल हो जाएगा। और जैसे ही एलिजिबल हो गया तुरंत मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन में रहता है स्टेटमेंट, ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना? इसमें A प्लस बी का मतलब है कि B का पति है कौन? A, ठीक है ना? B का पति कौन है? A। अगर आपको A प्लस बी बनाना है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, B का पति कौन है? A, पति के लिए क्या मैंने बताया था, डबल A, B का पति A है, तो A पे पॉजिटिव लग गया, तो ये क्या रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव रहा होगा, मतलब वाइफ रही होगी। तो B का पति कौन है? A, तो A हो गया पॉजिटिव। इसी तरह सबका रिलेशन बन जाता है। अब डायरेक्ट आप इस पे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट इसमें स्टेटमेंट पे जो आपसे पूछा होगा, आपसे पूछा है M तथा P में क्या संबंध है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है M डिवाइड N, तो यहाँ पे A डिवाइड B का क्या मतलब है, B का पिता है कौन? A, तो यहाँ पे M डिवाइड N का मतलब क्या होगा, N का पिता है कौन? M। समझ में आ रहा है ना? N का पिता है, इसको समझ लीजिए M और इसको N, तो N का पिता है कौन? M। N का पिता है कौन? M। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है N माइनस O, माइनस का में क्या होता है, O की बहन है कौन? N। कौन है? O की बहन कौन है? N। O की बहन है कौन? N। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था ना कॉमा की बात पढ़ते हैं, O की बहन है, अब अपने आप से क्वेश्चन करिए कौन, तो बात आएगा N, ठीक है ना? O की बहन N, B की बहन A, बात आ रही होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, इसका जेंडर हमें नहीं पता है। प्लस में क्या होता है, B का पति है, तो P का पति है कौन? O। P का पति कौन है? O है ना, तो O पे पॉजिटिव आएगा, और ये क्या रही होगी, वाइफ रही होगी, सिंपल सा है। P का एक बार फिर से मिला लेते हैं, P का पति है कौन? O। अब आपसे पूछा है M तथा P में रिलेशन बताओ, अब आप क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, रिलेशन नहीं खोजेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन है M की बेटी है P, M की बेटी है P, M की बेटी कौन है? P, M की बेटी P है, देख लीजिए यहाँ से। तो बात आती है, देखिए अगर जो बेटी का रिलेशन बनाए तो N क्या हो गया, बेटी हो गया, और ये कौन हो गया, उसका भाई, और भाई की क्या हो जाएगी, वाइफ, तो ये इसकी बेटी तो कभी होगी नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। M की बहू है P, M है, और M की कौन हो गई, ये बेटी, और बेटी का ये क्या हो गया, भाई, और भाई की जो वाइफ होगी वो M की क्या होगी, बहू ही तो होगी, भाई ये इसकी लड़की है और ये इसका भाई है, मतलब ये इसका क्या है, लड़का है, और लड़की की वाइफ क्या होती है, बहू, मतलब ये रिलेशन क्या है, सही है, ठीक है ना? और P का चाचा है कौन, M,
ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, है ना, मतलब अपना एक ऑप्शन मिल गया तो यही क्या हो जाएगा सही। बात आई ना भाई, एक ही रिलेशन होगा ना, दो रिलेशन थोड़ी कभी सही हो सकता। पी तथा एम में संबंध पूछा था तो क्या हो जाएगा, पी जो होगी वो एम की बहू हो जाएगी, कौन, पी, तो पी हो जाएगी बहू। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी में मैं कोडेड यही रहेगा, ठीक है ना, कोड यही रहेगा, और क्वेश्चन और आपको एक दो प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान से समझिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, है ना। चलिए अब इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में आपको है m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी। अगर वीडियो लंबा लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए जब तक मैं लिख रहा हूँ। मैं m और ओ में, ये ओ है, ओ में संबंध, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन में जल्दी से लिख दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है ओ एम की बहन, है ना, अच्छा। सेकंड ऑप्शन है एम कॉमा ओ का ससुर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एम कॉमा ओ की भाभी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा भाई, राइटिंग नहीं सही बनी है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हूँ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश की परेशान मत होइए भाई, अगर हिंदी इंग्लिश में आएगा तो क्या लिख देगा, ए इज द हस्बैंड, बी का पति ए है, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज द फादर ऑफ बी, बी का पिता ए है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ इज द सिस्टर ऑफ एम एंड एम इज द क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ ऑफ एम, ठीक है ना, ये हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अच्छा, हिंदी में ज़्यादा किया करिए क्योंकि ये रिलेशन क्या होता है हिंदी में हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होइए, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब ध्यान से देखिए, पहले हमको क्या बनाना है, ट्री, तो ट्री के लिए क्या करेंगे, एम इंटू एन, तो एम इंटू एन पे जल्दी से आ जाइए। इंटू का मतलब क्या होता है, देखिए बी का भाई है कौन, ए, तो एन का भाई है कौन, एम, एन का भाई कौन है, एम, तो एन का भाई एम, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, प्लस पे आइए, तो प्लस में ओ का पति है कौन, एम, ओ का पति कौन है, एन है, तो इसका मतलब वो क्या रही होगी, वाइफ रही होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ओ माइनस पी, माइनस पे आ जाइए, तो पी की, भाई बी की बहन है ए, तो पी की बहन है कौन, ओ, पी की बहन है कौन, ओ, तो पी की बहन कौन हो गई, ओ। पी का जेंडर हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि पी की बहन है ओ, अब पी उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, ट्री बन गया, आप किस पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे भाई, ऑप्शन पे, बस आ जाइए। अब देखिए, एम की बहन है ओ, एम की बहन है ओ, सही है गलत, आइए मिलाते हैं। तो मान लीजिए ये हो गए आप, ठीक है, और ये हो गए आप, ये हो गया आपका भाई, और आपके भाई की वाइफ क्या आपकी बहन होगी, जी नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, ससुर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई ससुर होगा इसका मतलब ऊपर नीचे जनरेशन जाएगी ना, ऐसा तो नहीं ससुर एक ही लाइन में हो जाएगी, एक ही, ये सेम जनरेशन के है ना, तो इसका मतलब ससुर तो होना ही नहीं है, भाभी हो सकता है क्योंकि सेम जनरेशन होता है। अच्छा, ओ की भाभी है कौन, एम, तो ओ और एम में रिलेशन देख लो, ये हो गए कौन, मान लीजिए आप, और ये हो गया कौन, आपका भाई, ठीक है ना। अच्छा, और ओ की भाभी है एम, ये बहुत ध्यान से समझिए, कह रहा है ओ की भाभी है एम, मतलब किसको भाभी बोल रहा है, एम को बोल रहा है, और एम यहाँ क्या है, एम तो भाई मेल है ना, तो भाभी कैसे हुई, भैया भले हो जाएंगे, भाभी नहीं हो, बहुत ध्यान से समझिए, ओ की भाभी एम, अगर आपको मान लीजिए ट्री बनाना होगा, ओ की भाभी है एम, तो ओ यहाँ होंगे,
तो ओ का क्या हो जाएगा, ये भाई को ही रहा होगा, ओ का भाई रहा होगा, और ओ की भाभी है एम, और ये भाई की क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी, तो एम है, एम का हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे एम क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी नहीं हो, बहुत ध्यान से समझिए भाई, ओ की भाभी है एम, भाभी कौन है, एम, मतलब निगेटिव, और निगेटिव है तो नहीं, यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, तो बच्चा क्या नन ऑफ दी, यही क्या हो जाएगा सही। अच्छा ये ऑप्शन कब सही हो जाता, जब ये ऐसा कुछ हो जाता, यहाँ ओ हो जाता है, यहाँ एम, तो एम की भाभी है ओ, एम की भाभी है ओ, तो एम ये आप मान लीजिए आप, यह हो गया आपका भाई, और आपके भाई की वाइफ क्या हो जाएंगी ओ, तो एम की भाभी कौन है ओ। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना, तो कौन सा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर जो इस तरह दिया होता तो सही हो जाता, मैं दोनों तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैं ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस पे आइए, m प्लस n माइनस o प्लस p, ठीक है, o तथा m में संबंध, ठीक है ना, o तथा m में संबंध बताना है, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में अगर आए तो ओ एम का क्या है, दामाद, ठीक है ना, सन इन लॉ, बी पे आए अगर जो दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, ओ एम का साला, ठीक है, इसको भी सन इन लॉ, वो क्या ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, है ना। अच्छा सी ओ एम का ससुर, ओ कामा एम का ससुर, फादर इन लॉ बोलेंगे, और डी है हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ, एम प्लस एन माइनस ओ, और एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या बनाना है, ट्री बनाना है, तो एम प्लस एन, ठीक है, तो प्लस पे आ जाइए जल्दी से, तो देखिए एन का पति है कौन, एम, तो एन का पति है कौन, एम, ठीक है, एन का पति कौन है, एम, तो ये क्या, इधर और बनाता हूँ, एन का पति कौन है, एम है, तो ये क्या हो गया, एम, तो एम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए भाई, क्वेश्चन पढ़ने बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए ए प्लस बी का मतलब बी का पति है कौन, ए, तो ए पे पॉजिटिव आएगा, उस तरह एन का पति कौन हो जाएगा, एम, तो एम पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या रही होंगी, वाइफ रही होंगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, माइनस, अब क्या है, बी की बहन है ए, उस तरह ओ की बहन है कौन, एन, ओ की बहन है एन, बहन कौन है, एन, तो ओ पे मतलब निगेटिव किस पे आएगा, बहन कौन हो, ओ की बहन एन, तो एन हो गया, इसका जेंडर हमें अभी नहीं पता है। अच्छा प्लस पे आते हैं, प्लस पे क्या है, पी का पति है कौन, ओ, पी का पति है कौन, ओ, पी का पति है कौन, ओ, तो यहाँ हो गया पी, और पी का पति कौन है, ओ है, तो ये क्या हो गया, ओ, इसका मतलब ये क्या रही होंगी, वाइफ रही होंगी, सिंपल है। अच्छा अब ध्यान से आइए, देखिए अब आइए ऑप्शन पे, किस पे जंप करेंगे, ऑप्शन पे, तो देखिए एम और ओ में रिलेशन पूछा है, तो पहले ऑप्शन पे करेंगे, एम का दामाद है कौन, ओ, एम का दामाद ओ है, तो देखिए है ऐसा कुछ, दामाद मतलब क्या होगा कि भाई दामाद किसको कहते हैं, दामाद मतलब सन इन लॉ बोलते हैं, अब दामाद कौन होगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपकी बहन है, और बहन के जो हस्बैंड होंगे वो आपके पापा के क्या होंगे, दामाद होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे जनरेशन होगी ना भाई, दामाद कैसे बनेगा, अगर आपको दामाद बनाना है तो मैं यहाँ मान लीजिए यू, और यू हो गया कौन, आपकी सिस्टर, और आपके आपकी सिस्टर है, ठीक है ना, ये सिस्टर है, और ठीक है, और सिस्टर के क्या हो जाएंगे, हस्बैंड, हस्बैंड जो होंगे वो, और यहाँ पे आपके मान लीजिए पापा हैं, फादर हैं, तो इन दोनों का रिलेशन मतलब ऊपर नीचे रिलेशन बनेगा, तभी तो दामाद आएगा, तो पहला तो ऐसे भी नहीं होगा। बहरहाल मैं और अच्छा समझाता हूँ, एम का दामाद है कौन, ओ, तो यहाँ देखिए ऐसा कुछ है, एक मिनट, इधर एम ही है ना, इधर एम है, सॉरी, हाँ, अब ध्यान से देखिए, एम का दामाद है ओ, तो देखिए यहाँ पे एम और ओ का रिलेशन, एक्चुअल में एम मान लीजिए कौन है,
आप हैं और ये कौन हो गया आपकी वाइफ, और आपकी वाइफ का भाई क्या होगा, आपका क्या होगा, साला होगा ना आपकी वाइफ का भाई, तो बस दामाद तो कोई किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, क्या होगा साला, तो क्या हो जाएगा, एम का साला है कौन, ओ, एम का साला है कौन, ओ, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई थिंक समझने में, बाकी आप मिला लीजिए, कोई ससुर तो वैसे भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भाई जनरेशन ऊपर से नीचे जाएगी ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन और है अपने पास, जल्दी से इसको बता दीजिए, बस समझ लीजिए, अगर आप ये बता देते हैं तो समझ लीजिएगा आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो गया है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, देखिए इसमें है एम इंटू एन माइनस ओ माइनस पी, इसमें मैंने जानबूझ के बड़ा लिया है, और प्लस क्यू, ऑप्शन की बात करें पहला भतीजा, ठीक है नेफ्यू और भतीजी मतलब नीस है ना, और साला, साला मतलब बताइए सन इन क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, और फोर्थ का क्या हो जाएगा, साली मतलब सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए बनाते हैं एम इंटू एन और प्लस माइनस में ओ और इंटू बी, ठीक है ना। चलिए एम इंटू एन एक बार मिला लेते हैं, ओ देखिए गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे डिवाइड है ना, अभी गड़बड़ हो जाता है। अब चलिए चारों रिलेशन दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब है कि एन का भाई है बी का भाई है ए, तो एन का भाई है कौन, एम, एन का भाई है, भाई है कौन, एम, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस ओ की बहन है एन, कौन है, ओ की बहन है कौन, एन, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहन कौन है, एन है ना, ओ की बहन है कौन, एन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि डिवाइड पे आते हैं, हाँ डिवाइड है, पी का पिता है कौन, ओ, पी का पिता, पी का पिता मतलब पी जाएगा, पी का पिता मतलब ओ, सही है ना, पी का पिता है कौन, ओ, तो पी का पिता कौन हो गया, ओ। अच्छा प्लस पे आते हैं, प्लस पे तो क्यू का पति है कौन, पी, क्यू का पति, पति मतलब ऐसे बनेगा कौन है, पी, क्यू का पति पी, मतलब ये क्या रहा है, सॉरी पति है ना, क्यू का पति है कौन, पी, पति कौन है, पी मतलब क्या, ये कौन रही होगी, वाइफ रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे रिलेशन किसका पूछा था, रिलेशन आपका पूछा था पी तथा एम का संबंध, ठीक है ना, किसका संबंध पूछा था, पी तथा एम का संबंध, तो चलिए पी और एम पे फोकस करते हैं, पी तथा एम, तो मान लीजिए यहाँ कौन है, यू, और ये कौन हो गए आपके पापा, ठीक है, और ये कौन हो गई पी तथा, किसका रिलेशन था, पी तथा एम का रिलेशन, तो पी और एम यहाँ पे हैं, ठीक है ना, पी और एम यही दोनों हैं, अब इनका रिलेशन पूछ रहा है, तो ये कौन होगा, एक मिनट, हाँ सही तो है, तो पहले पे आते हैं भतीजा, भतीजा देखते हैं, पी यहाँ पे कौन है, आप, और ये कौन हो गया आपके पापा, और आपके पापा की ये क्या हो गई, बहन, बहन है, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, जैसे ये कौन हो गए, ओ एक मिनट, ओ एन हो गया, और ठीक है चलिए जो भी होगा, ये कौन हो गया आप, और ये कौन हो गया आपके पापा, और आपके पापा की ये कौन हो गई, बहन, आपके पापा की बहन मतलब आपकी बुआ, और आपकी कितना होगा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करते हैं, सॉरी फ्रेंड, क्या हो जाएगा, देखिए आप, और ये क्या हो गए आपके पापा, और ये कौन हो गए आपके पापा की बहन, और ये कौन हो गए आपके पापा के भाई, तो आपके पापा के भाई से आपका क्या रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है, आपके पापा के भाई मतलब आपके चाचा से आपका क्या रिलेशन होगा, आप क्या होंगे, उनके भतीजा होंगे, हो जाती है कभी कभी कंफ्यूज, तो लाइट चली गई, अब इधर से फोकस आ रहा है एकदम चेहरे पर पड़ रहा, तो चीज़ें और क्लियर दिख ही नहीं पा रही है ना, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ पूरा अच्छे से, देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये बनाना, बस अब रिलेशन आपको चाहिए किस में, पी और एम में, ठीक है, तो देखिए
ये हो गए आप, ये हो गए आपके पापा, ये कौन हो गया आपकी बुआ, और आपकी बुआ के भाई मतलब कौन आपके चाचा, और आपके चाचा से आपका क्या रिलेशन होगा, अब उनके भतीजे होंगे, है ना। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन। आई थिंक मैंने 3-4 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, कोडेड वाले करा दिए। अब इससे बाहर आपका ब्लड रिलेशन नहीं पूछता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हुआ। अब आप अगला टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा ही अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रहिए ताकि मुझे और एनर्जी मिलती रहे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड लव यू ऑल, बाय।